क्लास की मेरे मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 करा रही हूं। हमारे चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारा क्वेश्चन है 2xy, 3y² - 1/2xy, 6y² हमारी जो इसकी पिछली वीडियो थी उसमें हमारे पास टू ऑर्डर पेयर्स के बीच में प्लस का सिंबल था, लेकिन अब हमारे पास टू ऑर्डर पेयर्स के बीच में माइनस का सिंबल है। और ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की जगह मैंने 2xy लिखा है और बी की जगह मैंने 3y² लिखा है और सी की जगह मैंने 1/2xy लिखा है और डी की जगह मैंने 6y² लिखा है। फॉर्मूला मेरा जो पिछला फॉर्मूला था जो हमें प्लस की सिंबल थी, तो हमारे पास फॉर्मूला था ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, लेकिन अब हमारे पास माइनस का सिंबल है तो हमारा फॉर्मूला है माइनस का ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दी है। ए की जगह मैंने 2xy लिखा है बिकॉज ए इज इक्वल टू 2xy, ये माइनस आ गया। और सी की जगह मैंने 1/2xy लिखा है बिकॉज सी इज इक्वल टू 1/2xy, ये कॉमा लगा दी, ये कॉमा आ गया। और ये बी की जगह मैंने 3y² लिखा है बिकॉज बी इज इक्वल टू 3y² और ये माइनस आ गया। और डी की जगह मैंने 6y² लिखा है बिकॉज डी इज इक्वल टू 6y² ए की वैल्यू ये थी, ए की वैल्यू थी जो हमारे पास यहाँ पे आ गई और ये माइनस आ गया था। और जो हमारे सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 1/2xy थी जो यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे हमारे बी की जगह 3y² लिखा है क्योंकि बी की वैल्यू हमारे 3y² थी, ये माइनस आ गया। और डी की जगह मैंने 6y² लिखा है क्योंकि हमारे डी की वैल्यू 6y² थी। अब आप ये बता दो स्टूडेंट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और यही वैल्यू मैंने पुट अप की है। सी हाँ बताओ, यही वैल्यूज हमने पुट अप करी है। यहाँ पे 2xy के कुछ नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा है, मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे। अब दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में आ गई है तो मुझे इनका एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम लेने के लिए, जब को पता है जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। 2 1 से 2 हो गया, जो 2 आया ये 2 इस 1 से डिवाइड होगा तो मैं यहाँ पे 2 को ऊपर लिखूंगी 1 को नीचे लिखूंगी। तो अब आप ये देखें, जब नीचे का नहीं लिखा जाता तो ऊपर का जो 2 है ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 2 आया, डिनोमिनेटर में जो 2 है ये 2 इस 1 से डिवाइड होगा, तो मैं इसके लिए 2 को ऊपर लिखूंगी 1 को नीचे लिखूंगी। तो जब ये नीचे का नहीं लिखा रहेगा, ये 2 आया, ये 2 अब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो गया और ये एक्स वाई ऐसे आ जाएगा। अभी जो माइनस है ये भी ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 है ये जो हमारे डिनोमिनेटर में जो 2 है मैं इस 2 को इस 1 से डिवाइड करूंगी, इसलिए मैं 2 को ऊपर लिखूंगी 1 को नीचे लिखूंगी। तो नीचे का नहीं लिखा रहता है, नीचे 2 आया, मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 4 हो गया, मैंने 4 लिख दिया। जो एक्स वाई ये ऐसे आ जाएगा, ये माइनस मैंने उतार दिया। अभी जो ये जो 2 है मैं इस 2 को इस 2 से डिवाइड करूंगी, इसलिए मैं 2 को ऊपर लिखूंगी और इस 2 को नीचे लिखूंगी। अब देखें जब 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 आएगा, तो ये 1 इस 1 से डिवाइड होगा तो 1 एक्स वाई हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाता, मैं 1 को रफ कर दूंगी तो एक्स वाई बचा। 3 का यहाँ पे साइन प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब मैं साइनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस होगा। जब मैंने 3 में से 6 माइनस करे तो हमारे पास 3 आ गया। और जो वाई स्क्वायर 2 मरतबा मैं वाई स्क्वायर को एक दफा उतार दूंगी। अब यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी कि साइन हमेशा बड़े नंबर के लिए, बड़ा नंबर 6 से साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, 6 से साइन माइनस है तो हमें माइनस लगेगा। और ये एक्स वाई 2 मरतबा तो मैं एक्स वाई को एक दफा उतार दूंगी। और ये जो अपॉन का ये जो 2 है ये मैंने ऐसे जैसे यहाँ पे उतार दिया, ये कॉमा यहाँ पे यानी कॉमा को यहाँ पे ऐसे उतार दिया। और जो माइनस 3y² है मैंने इसको यहाँ पे ऐसे जैसे उतार दिया। और यही हमारा आंसर है। तो काइंडली प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो।